ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज एक आप लोग का बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर देने जा रहे हैं। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं वो इस बात का इंतजार करें कि सर रिजल्ट कब आएगा और इसमें क्या क्या चीजें होने वाला है, क्योंकि अभी एक न्यूज ये भी आया है बहुत से न्यूज पेपर्स में और साथ ही साथ न्यूज पेपर के जो ब्लॉगिंग साइट्स होते हैं उस पर कि जो भी आउट ऑफ द सिलेबस जो क्वेश्चन है उस पर पूरे के पूरे मार्क्स बच्चों को दे दिया जाएगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो जहां तक लगता है हमें कि ऐसा अगर होता भी है या नहीं भी होता है तो हम लोग को तो कुछ पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि कॉपी तो मिलेगा नहीं, कॉपी तो दिखेगा नहीं। तो आप लोगों को इस चीज के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिएगा कि जो भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया था उसका मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा पेपर किया है। जो भी आउट ऑफ द सिलेबस जो भी मार्क्स होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपका नंबर और अच्छा हो जाएगा। और जिनका पेपर बहुत खराब गया था वो इसको एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में रख लेके हाँ जो है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है तो उसका मार्क्स मिल जाएगा, तो आप लोग जो है पास हो जाएंगे, ठीक ठाक नंबर आपको मिल जाएगा, ये आप मान सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आखिर में रिजल्ट आएगा कब? तो देखिए, बोर्ड की कॉपियां बहुत ही ज्यादा स्पीड से चेक हो रही है, बहुत ही तेजी से चेक हो रही है। सभी लोग जो है एकदम लगे हुए हैं, बोर्ड के जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग कॉपियों को चेक करने में लगे हुए हैं। तो परेशान नहीं होना है, जबकि मान लेते हैं कि रिजल्ट आ ही जाएगा। और हमें जहां तक लगता था तो हमने आप लोगों को पहले बताया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जब भी बच्चों ने पूछा था कि 20 मई तक रिजल्ट आ जाएगा, ये एक न्यूज था। ठीक है, उसके बाद एक अखबार में न्यूज भी आया था कि 15 से 20 मई तक जो है रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हुआ क्या, कुछ बदलाव। फिर एक न्यूज़पेपर में आया ये न्यूज कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, जून के सेकंड हफ्ते में आएगा। लेकिन ये हमें लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए 20 मई से अगर रिजल्ट लेट भी होता है तो जहां तक हमको लगता है कि रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ मई, यानी आपका समझ सकते हैं कि मई के आखिरी हफ्ते में जो है रिजल्ट आ जाएगा, ये मान लीजिएगा। जो भी मई का आखिरी हफ्ता हो, यानी आप बोल सकते हैं कि 31 मई से 24 मई, यानी 25 मई से 31 मई के बीच में जो है आपका ये रिजल्ट मिल ही जाना है, आ ही जाना है। हमको जहां तक लगता है कि मई में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर कुछ लेट होता है तो एकदम कंफर्म मान लीजिए कि जून के पहले वीक में तो 100% आ जाएगा, 5 जून से ज्यादा देर नहीं होगा रिजल्ट आने में। तो 5 जून हमको लगता है सबसे आखिरी पॉइंट होगा, उस समय तक तो आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले तक भी ज्यादातर चांसेस है कि आ जाएगा। तो क्योंकि कॉपी का स्पीड बहुत ज्यादा चेक होने का, लगभग लगभग बहुत सी कॉपियां चेक हो भी चुकी है, तो आराम से हमको लगता है कि रिजल्ट 20 मई से 25 मई के आसपास में भी आ सकता है। लेकिन अगर बढ़ता है तो वहां तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत लेट में हुए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं उसके नंबर्स भी काउंट करने हैं, बाकी चीजों को भी मेंटेन करना है इस चीज में, इसकी वजह से देर होगा। तो इस वजह से थोड़ा मोड़ा देर हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम बता रहे हैं इस डेट तक तो कंफर्म जो है रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है बहुत बच्चे जो इस चीज के परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट इस समय आएगा। दूसरी बात, वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने 10th दिया है, तो आप लोग अपने जान पहचाने वाले में जो 10th के क्लास के बच्चे हैं उनको ये न्यूज दे दीजिएगा, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ उनको ये भी बोल दीजिएगा कि अगर वो 10th के बाद क्लास 11th में अगर वो कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं तो ज्ञान आश्रम चैनल से वो जुड़ जाएं, ज्ञान आश्रम चैनल पे वो पढ़ाई करना स्टार्ट करें। इस चैनल पे जो है पूरा का पूरा कॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ सारे के सारे कोर्स कंप्लीट होंगे, नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो उनको चैनल पे जोड़ दीजिएगा, बता दीजिएगा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि उनकी भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन से कॉमर्स क्लास 11th का हम कोशिश करेंगे वीडियोस स्टार्ट करते हैं, और जुलाई से क्लास 11th में बहुत तेजी से काम होगा और पूरा जो है फटाफट करते करते पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। और 5 महीने के अंदर यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक में आप लोग का पूरा क्लास 11th का पूरा कोर्स कंप्लीट करके पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आप लोग अपने अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, बहुत ही अच्छा मार्क्स, अपने अपने स्कूल में आप लोग जो है अव्वल दर्जे के स्टूडेंट हो जाए। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे क्लास 11th के, मतलब कॉमर्स भी होगा, मतलब कॉमर्स के सारे यानी अकाउंटेंसी भी होगा आपका, इकोनॉमिक्स भी होगा, और क्या होगा, बिजनेस स्टडी भी होगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए ग्रामर चलेगा चलेगा, हिंदी का भी ग्रामर जो चलेगा चलेगा। तो इसी के साथ जो है अभी की वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।